कोई बात नहीं छोड़ दे। नहीं यहाँ से लोग ज्यादा सब्जी ले जाएंगे फिर। बिना फोन के काम कैसे चलेगा? जगह से तू भी जा रही है? तेरे को खुद तो नहीं लग रही? भेज जा रहे गाड़ी में ले जा, हम तभी ले जा। बारिश लग गई इधर ना, तट 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 बारिश लग गई। टाटा बाय। तो अब हम लोग भी घुस गए टेंट के अंदर बंद के बहाने। ये देखना हमारे साथ और भी और कुछ भी लेना थे। आईपीएल देखो ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन दे के काफी प्राइजेस भी जीतो, वो भी लोटस 365.in। यहाँ पे बहुत सारी क्वेश्चन रहेंगे जैसे हु विल विन मैच और हु विल विन टॉस जैसा। 50 प्लस तरह के क्वेश्चन में अपना ओपिनियन देके काफी अच्छे प्राइस जीत सकते हो। लोटस 365 पर जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए आरएस 365 का बोनस, जहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24 आवर कस्टमर सपोर्ट और यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा है 200+ क्वेश्चन जहाँ आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं काफी अच्छे अच्छे प्राइजेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे और कमेंट में मैंने लिंक पिन कर दिया है, आप लोग जाके चेक कर लीजिए। और चलते हैं सीधा इसी के साथ व्लॉग पे। हेलो दोस्तों, शुभ दोपहर ही आप सभी को। मेरा प्रणाम है और छोटे को जी भोरे आशीर्वाद। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में और मैं हूँ उत्तराखंड देहरादून से। अभी फिलहाल दिन के बज रहे हैं 2:30 बज गए, तो हमने खाना खुना खा लिया है, बस मैं जस्ट आराम करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको, आप बने रहना हमारे साथ। आज मेरे जेठ जी भी जा रहे हैं बाहर किसी काम से, तो जब जेठ जी जाएंगे उस टाइम हम मिलेंगे, ठीक है? तब तक मैं थोड़ा आराम करती हूँ और आप लोग भी आराम मत कीजिए, आप बने रहिए। तो दोस्तों जा रहे हैं हमारे जेठ जी, चलो चलते हम भी देखते हैं। बिना फोन के बिना फोन के काम कैसे चलेगा? भैया जा रहे हैं तो जेठ जी जाने लग गए, जेठ जी को फटाने जा रहे हैं, फटाने वाला आधे रास्ते तक भेजने जा रहे हैं। भैया जा रहे हैं गाड़ी में ले जा, हम तभी ले जा छतम दिखाए, ले जा छतम में, काजू तो डिक्की में आ जाएगी, डिक्की में तो तू भी आ जाएगी, इतनी छोटी पहने स्कूटी की डिक्की पहने। बहन रो मत, कोई बात नहीं, थोड़ा आँख पे आता था, थोड़ा मोज हो गया। तो गाड़ी कर रहे हैं भैया बैग। जा काजू तू भी जा रही? तेरे को खुद तो नहीं लग रही भैया के? एक बार ऐसा वाला वो कर लो, थोड़ा वहां पे जाके जा ना। टाटा बाय। भाई जी बड़ा खुश हुआ जी जाना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रो मत, जाना तो है, ड्यूटी तो करनी है। चलो मैं फटाफट आई, मैं सोई थी, सोई तो क्या, मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम चला रही। तो जेठ भी चले गए लेकिन बहुत जल्दी फिर हमें हमारे साथ जेठ जी रहेंगे, है ना काजू? बहुत जल्दी मिलो अलहमदुल्ला, डरा ला है ना। शाम भी गुलाबी हाँ, दिन भी गुलाबी, क्या इधर से आ, इधर से गोरे आते। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 5:30 टाइम हो गया और मैंने चाय बना दी है, चाय रख के आई, मैं थोड़ा फ़ोन के लिए आई थी अंदर और चाय पी रहे हैं। काजू का अपना काम चल रहा है, आज मंडे है, मंडे भी जाना हम लोगों को सब्जी लेने, तो चलो पहले चाय पी दें। ये रही मेरी चाय, फाइनली चाय पी ली है और अपना बर्तन रखते हैं। आज यहाँ ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया देखना, लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं, बारिश का इंतजार करें। तो हाँ दोस्तों सब्जी के लिए जाएंगे हम थोड़ी देर में, अभी कहीं कहीं धूप आ रही, कहीं कहीं बारिश तो नहीं हो रही खैर, पर मतलब आंधी चल रही, हवा आ रही मतलब। तो हाँ मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी कि
परसों मैंने एक व्लॉग डाला, व्लॉग नहीं अपनी मेहंदी की वीडियो डाली, उसमें मैंने मतलब पीछे से आवाज दी और मतलब अलग अलग तरीके से बोला, मतलब कमेंट के तौर पे या कुछ भी मान लो आप, तो मैंने ऐसे करके बोला था। तो कई लोगों के कमेंट आए थे मुझे कि बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे कमेंट्री वगैरह, मतलब ऐसे कुछ बोला था कि काफ़ी अच्छा लग रहा है ऐसे, बहुत मज़ा आ रहा है, हमें हंसी आ रही है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो अच्छा लग रहा है करके, मतलब कुल मिला के ये बोला। तो बाकी जो बाकी एक दो कमेंट ऐसे भी आए जिन्होंने बोला कि दीदी वॉइस मत करो, कि आप मत बोलो कि वीडियो में गाने लगा दो ऐसा कुछ। तो फिर मैंने आज कल जो मैंने हल्दी वाली वीडियो डाली उसमें मैंने उस पर गाना रहने दिया, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि उस पर मतलब गाने रहन दो, तो मैंने गाने रहन दिया। फिर बाद में नहीं, मतलब कल फिर मुझे उस वीडियो में फिर कमेंट आए हल्दी वाली वीडियो में कि दीदी मतलब वैसे ही करना था सिमो, मतलब जो भी आप बोलते हो कि आपने उसमें भी अपनी वॉइस डालनी थी, कुछ बोलना था ऐसे करके, तो हमें खूब इंजॉय करे। तो अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि जो कल की वीडियो आएगी शादी वाली वो कैसे रखूँ, मतलब गाने वगैरह वो करके या फिर अपनी आवाज़ डाल के। वैसे मेरा मन तो अपनी आवाज़ करके करने का है उसमें, लेकिन क्योंकि जो हल्दी वाली वीडियो थी उसमें तो अपनी आवाज़ करके मैं क्या ही बोलती, मतलब ना थोड़ा वैसा इमोशनल भी था तो नहीं बोला जाता उसमें। खैर बोलने के लिए तो मैं बोल देती पर मैंने नहीं बोला, पर शादी वाले में बोलना। आप लोग कमेंट करके बताना कि उसमें क्या करना है, बोलना है या नहीं बोलना है, आप लोगों के हिसाब से चल रही हूँ। तो फिर ज़्यादा कमेंट जिस ही मुद्दे पे आएंगे मैं वही करूँगी, अगर मतलब उसे कॉमेडी टाइप में करना है तो वो भी बता देना, ठीक है, तो मैं कर दूँगी। चलो कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ, अभी हम जाएंगे सब्जी लेने। फिलहाल काजू ड्यूटी पर बैठी है, बोल रही थी 6 बजे उठेगी, तभी मिलेंगे आपको। तो दोस्तों हम दोनों जाने के लिए तैयार हो ही गए थे कि हमारी स्कूटी जरा बीच में रुकने लग गई है, और रुकने क्या, मौसम भी देखना, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गया और हमें बहुत सारा काम है आज है ना। तो फाइनली एक गियर मारा मैंने उस पर और हो गई गाड़ी स्टार्ट, और काजू अंदर चलेगी फ़ोन रखने, अब आएगी तब जाएंगे हम लोग। हाँ क्या कैसे गिरी तुम्हारी तो आशीष अल्लाह लम्डो में बिहार कबाब अभी तो दिमाग पर चोट आएगा पता तुम, तो मेरा कुछ समझ में नहीं आने में कबर कबर कई चीज भूल जाऊँ जो वो देखना दरी बेचने वाले काजू भी आ गए। चलो चलते। तो दोस्तों आंटी ये बोल रही थी कि मैं उस दिन गिरी थी ना। हाँ देख ली लो तो काजू तुम जाओ काजू फेंक क्या चल यार। हाँ कोई बात नहीं ले लो देख ली लो। तो उस दिन आंटी बोल रही कि होली के दिन मैं गिरी थी ना उनके घर पे, एकदम छिपल के बड़ा लंबी थी और मेरे दिमाग में, तो आंटी जी बोले चोट तो नहीं लगी तेरे को, मैंने कहा लगी तो थी, अंदरूनी चोट आ रही थी मेरे दिमाग के अंदर। कभी कभी मैं कुछ कुछ चीज़ें भूल जा रही हूँ कि जैसे मुझे ब्लॉगिंग करना है, जैसे मुझे कई काम करने हैं, जैसे मुझे खाना है, सारी चीज़ें भूल जा रही, तो शायद उसी का असर है ना। फिलहाल चलते हैं, बहुत बातें होंगी। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं आलू प्याज, 2.5 किलो प्याज लिया और 1 किलो आलू। तो मंडी में काफ़ी भीड़ हो चुकी है, अभी तक तो मौसम खराब था, ठीक हो गया। ये देखो हम लोग पहुंच चुके हैं मंडी में और खरीद रहे हैं सब्जी, हमने खरीद ली गोभी। नहीं यहाँ से लोग ज्यादा सब्जी ले जाएंगे फिर। वो भाई बोल रहे हैं कि इधर भी दिखाओ कि मेरी गोभी 20 के 3 गोभी ले ले। काजू ने बोला ज्यादा हो जाएगा, मेरे गोभी के पराठे खाएंगे हम दोनों। टमाटर भी ले लिया हमने, ये रहा टमाटर। तो आधे में ही बारिश लग गई, इधर ना तट 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 बारिश लग गई खतरनाक, और हमने अभी सब्जी नहीं ली, सब्जी वाले बंद करने लग गए। अब देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। यहाँ पे बढ़िया उजाला आ रहा है, यहाँ पे वीडियो बनाते हैं। काजू कहाँ गई? काजू भीग रही हूँ, भीग रही है सच में। मेरी ना बारिश आ गई, दिख नहीं रहा होगा ना आपको, इसमें दिखा दूँ भैया, हमें भी इस प्लास्टिक के नीचे ले लो। देखने खतरनाक बारिश होने लगी, मतलब लोगों की अफरा तफरी मचने लगी, लोगों के टेंटों के नीचे घूम रहे हो। देखो ये हमने मशरूम ले ली। अच्छा तो अब हम लोग भी घुस गए टेंट के अंदर बंद के बहाने। ये देखना हमारे साथ और भी और कुछ भी लेना थे, अजू नहीं दिख रही थी। तो हम यहाँ लेने के लिए आ रहे थे बंद, और इसी बहाने हम थोड़ा बारिश से भी बच जाएंगे। नहीं ये देखना वो हल्की हल्की तो दिख रही है, देख इधर से ऊपर। 100 का 100 का लेना, बढ़िया बढ़िया वो निकालना। हम दोनों ले रहे हैं अंगूर, जाने का मन नहीं कर रहा, बारिश आ रही और बहुत ठंडा सा लग रहा है। अच्छा हुआ मैं बंद गले का पहन के आ गई, नहीं मुझे पता था काजू खुले गले का।
सब लोग अभी ले ही रहे, कोई जा ही नहीं रहा। ये अंगूर कर दिया हमने 100 के 1.5 किलो। तो फाइनली दोस्तों हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं, ये सब्जी सूख के आ चुके हैं। देखना सारा गीला गीला, सारा बारिश हो रही है, सारे पैरों के चप्पलों के निशान ही निशान। ये सासू माँ के पॉपकॉर्न ले। तो दोस्तों इस व्लॉग को मैं अगले दिन सुबह में एंडिंग कर रही हूँ, रात को बनाना भूल गई थी मैं, तो मतलब आज व्लॉग डाल रही हूँ तो आज ही से एंड कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी आपको कल नए व्लॉग में, और हाँ याद से वो ज़रूर बता देना कि कमेंट्री करनी है पीछे से या फिर वीडियो गाने के साथ डालनी है शादी वाली, वरना अगर कमेंट्री करनी तो बहुत मज़ा आएगा, और अगर वैसे गाने में डालनी है तो फिर नॉर्मली होगा, ठीक है, जैसा आप बोलोगे वैसा होगा। फिलहाल आज के लिए यहीं पर आगे दीजिए, टाटा, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना प्लीज़।